हेलो दोस्तों, मैं एके चक्रवर्ती, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉस क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बंधु, मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोग को संख्याओं पर आधारित प्रश्न बता रहा था, जिसमें प्राकृत संख्या का बात मैंने किया था कि एन प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन वाई क्या होता है? टू होता है। ठीक, उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला, एन प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल बराबर, पता है आप लोग को, एन इंटू एन प्लस वन होता है। एन प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन होता है। अब यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी तो हम फॉर्मूला बता दिया किस तरह से बनाएंगे। जहां एन बराबर यानी क्या होगा बताएंगे, पदों की संख्या बराबर एन वाई क्या होगा? टू होगा। यानी कितने पद हैं उसमें आपको पता होना चाहिए, किस तरह से निकालेंगे एन वाई टू करके। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल है आपका, दो है, चार है, छ है, आठ है, डॉट 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 मान लिया जाए ना 20 तक का योगफल निकालना है। यानी एन प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन होता है, जहां पदों की संख्या बराबर एन वाई क्या करेंगे? दो। जहां एन बराबर क्या होगा? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद होगा। ठीक, अब एक चीज सोचने वाली बात आ गया कि सर, अंतिम पद एन अगर आप निकालना चाहेंगे ना, यानी कि पदों की संख्या आप निकालना चाहेंगे, तो आप क्या करोगे बताओ? पदों की संख्या अगर आपको निकालना होगा तो 20 बटा क्या करना पड़ेगा? दो। यानी एन का मान कितना हो जाएगा आप लोगों को? 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां पर एन दे दो बंधु, यहां पर कैपिटल एन दे दो। ठीक, यहां तो दो चार छह आठ से लेके 20 तक है आपका सम संख्याओं का योगफल निकालना। तो संख्या ने एन निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद बटा दो कर देंगे तो हमको 10 निकल जाएगा। आप बताओगे कि योगफल बराबर, मैंने बताया एन इंटू एन प्लस वन करने के लिए यानी 10 गुना में 11, यानी उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। आप लोगों को समझ में बात आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका है कि दो है, चार है, छ है, डॉट 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 मान लिया जाए ना 40 तक का योगफल निकालना। तो पहले संख्या यानी एन निकालने के लिए अंतिम पद बटा दो करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आप बताओ? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, यानी आप योगफल बराबर कहोगे सर एन इंटू एन प्लस वन होता है तो 20 गुना कितना करेंगे? 21। यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 420। ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्यारे बंधु, ये तो हम आप लोगों को सिखा दिया कि सर इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात लगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। लेकिन मेरे अनुसार थोड़ा सा चलना ना और छोटा इसको हम कर सकते हैं। ठीक, देखो जरा क्या हम बताना चाहें, कुछ ना ए निकालना है, चाहे कुछ भी नहीं निकालना, आप डायरेक्ट यूज कर सकते। देखो इसको आगे की संख्या क्या है? एक। एक लिख देंगे। इसके बाद की संख्या क्या है? एक 41, यानी 41 हो गया। आप जब लिख दिए ना, बीच का सिस्टम खत्म। इससे आप योगफल डायरेक्ट कैसे सम संख्या का आप निकालोगे? जो जरा ध्यान देगा क्या करना, सुनो कि बीच वाले सम संख्याओं का योगफल निकालना है, या सम का या विषम दोनों में लागू है। बीच वाले सम या विषम संख्या का योगफल निकालना है तो ए संख्या दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा बताओ? 41 और 1 कितना हो जाएगा? 42। गुना
दोनों के फिर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40, अब बटा में क्या करोगे 4, यानी उत्तर आपका कितना होगा 420। और 420 ही आया था। फिर से एक बार ध्यान देना, यहां से फिर लिख रहे हैं बीच वाले सम या विषम का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल गुना में अंतर अब बटा में 4 आप कर सकते हो डायरेक्ट। अब क्वेश्चन इससे अच्छा तो एन इंटू एन प्लस वन ही उठा, ठीक है मैं मानता हूं तुम्हारा बात को, लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या जब आ जाएगी, ये तो स्टार्टिंग से है तब ना बन लो। अगर मान लिया हमको 40 से हो जाएगा 400 तक, तब क्या करोगे? फिर तो आपको 2 से निकालना ही पड़ेगा 400 तक, फिर उसके पीछे से घटाना पड़ेगा, इसीलिए हम वो नहीं बताते। समझना बात को मेरा। यदि बीच वाले को सम या विषम संख्या का योगफल यदि निकालना अगर है, क्या करोगे? इसके आगे वाली संख्या को लिख देना है, इसको पीछे वाली संख्या को लिख देना है, और दोनों को एक बार जोड़ देंगे और दोनों को एक बार घटा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, काम खत्म। तो 41 और 1 कितना होगा? 42। यहां पर कितना होगा? 41 घटा 1 कितना? 40। अब बटा में कितना? 4। यानी 42 यहां पर गुना में कितना? 40। अब बटा में 4। उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 420। कोनो परेशानी? ये इसीलिए हम बता रहे हैं, आप समझोगे कि अगर 20 से शुरू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे सब, उसके लिए मैंने बताया। आगे मिटा दूं, जैसे देखो अगर मान लिया रहेगा कि 51 51 सॉरी 52, अब प्लस में आपको क्या लिखना है? 54, 56, डॉट 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 मान लिया जाए ना 100 तक, इसका योगफल निकालना। अब तुम बताओ कितना फंस जाओगे आगे जाके कि सर आपको तो पहले पूरा टर्म को निकालना पड़ेगा। देखो हम विशेष तरीका से निकाल देते हैं, आप जो पहले वाले मेथड से। यहां पर एन बराबर कितना होगा? पूरा निकालेंगे तो 100/2 तो कितना होगा? 50। ठीक, और इसके आगे कहां तक नहीं है? 50 तक। तो यहां पर एन का मान 50/2 करेंगे तो कितना? 25। अब बताओ यहां से 2 से लेके 100 तक निकाल के 2 से लेके कितना तक हमको घटाना पड़ेगा? 50 तक घटाना पड़ेगा। अब बताओ दो मेथड हमको निकालने हैं, 50 तक हमको घटाना पड़ेगा। सोचो पहले कि सर अगर हम मान लिया कि 2 से 100 तक अगर निकालते तो एन का मान 50 हुआ, तो 50 × 51 होगा, ये तो बात समझ गया होगा एन इंटू एन प्लस वन से। आई 25 हुआ तो यहां पर कितना हो जाएगा? 25 × कितना होगा? 26। अब आप बताओगे 5 यहां पर कितना होगा? 125। 5 यहां पर कितना होगा? 25 x 2550 माइनस ये कितना होगा बताओ? 25 × 150 बाकी 15, अब 25 कितना हो जाएगा? 65। अब इसको आप घटा तो कितना होने वाला है? 0 0 19, यानी उत्तर कितना आपको हो जाएगा? 1900। लेकिन हम जो बताया उस पर थोड़ा गौर करना, क्या कहना चाह रहे थे कि जो संख्या आपको दिया गया है ना उसके आगे वाली संख्या को लिखो। तो आगे वाली संख्या कितना होगा बताओ? 50/51। इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे तो कितना होगा? 101। बीच में हम गायब करने के लिए सोच रहे हैं। अब तुम सोचोगे कि सर इसको हम बनाएंगे कैसे, तो क्या करना जरा सोचना। दोनों को एक बार हम जोड़ देंगे तो 101 प्लस में कॉमन कितना होगा? 152। ठीक, 152। उसके बाद उसको घटा देंगे तो 101 में से कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 50। अब कितना से भाग लगाना बताओ? 4 से लगाना है ना। तो आप बताओ 4 × 3 कितना होगा? 12 × 8 = 32। 38 × 190 पर सुनना, यानी उत्तर आपका कितना होगा? 1900। दोनों बन गया कि नहीं बन गया? तो हम आज के बाद इस तरह से करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो नहीं करना तो करना क्या, जरा हम डायरेक्ट एक बार मिटा के क्लियर कर देते हैं क्या करना है। देखो क्वेश्चन है कि अगर बीच वाले सम संख्या या विषम संख्या, ऐसा नहीं समय में लागू है, नहीं विषम में भी लागू है, तो आप बताओ क्या करना है। इसके आगे वाली संख्या लिख दो 51, इसको बाद वाली संख्या लिख दो 101। योगफल निकालने के लिए क्या कहे?
योगफल निकालना है तो दोनों संख्या को एक बार क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे कितना, 101 प्लस 51 कितना होगा, 152। और एक बार दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 101 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 50। अब कितना से भाग लगाए थे, 4 से, 38 बार में कट जाएगा, यानी उत्तर आप डायरेक्ट डाल सकते हो कितना, 1900। को देखकर ना ही ना मजा आया ना। अगला देखो, दिखा एक क्वेश्चन आप देखे कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देना। 26, 28, 30 आपका मान लिया जाए ना, 90, 104 तक का योगफल निकालना है। अब लग रहा सर उतना काहे लगाएगा, आप बताए उसी पर कर लेते हैं ना। इसको 25 लिख देंगे आगे वाला, इसको बाद वाली संख्या लिख देंगे 105। योगफल निकालना है डायरेक्ट आप यूज कर सकते, जोड़ देंगे 105 प्लस 25 130। अब गुना भी 105 में से 25 जब घटाएंगे, चला बताओ कितना होगा फट से, 105 में से 25 जब घटाएंगे तो 80, अब बटाना कितना, 4। कोई दिक्कत नहीं, बीचो 80 यानी 13 दुना 26 पर डबल 0, यानी उत्तर कितना होगा, 26। कोई दिक्कत, कितना शॉर्ट तरीका होता। तो हम लोग ऐसा नहीं कि समय में लगाएंगे सर, नहीं विषम में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एन प्राकृत विषम संख्या का योगफल बराबर एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर होता है, एन बराबर अंतिम पद और प्लस में वन बाय क्या होगा, टू, या इसी को लिख सकते हैं कैपिटल एन प्लस में क्या, दो। बात एक ही, दोनों लिख दिए। एन प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है। जैसे तीन विषम संख्या 3 का स्क्वायर, 4 विषम संख्या 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो एन बराबर अंतिम पद प्लस 1/2, ये क्या चीज लिख दिए जरा समझाओ हमको, सोचो। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से, अब विषम संख्या भी 1 से होगा, तो अब बताओ 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मान लो ना यहां पर आपका है 15। अब तो उसमें n बराबर हम n बाई टू कर रहे थे, 15/2 करेंगे 7.5 हो जाए, वो हमको उचित नहीं है। इसीलिए तो हम बताए कि n निकालना है ना बंदो, तो n बराबर कैसे करेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़ देना है, तो 15 और 1 कितना, 16, अब बटा में 2 तो कितना n आ गया। अब बताओ n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में बात आया। तो एन प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है, अर्थात एन बराबर करेंगे अंतिम पद प्लस 1/2 क्या करेंगे, 2। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप एक पहला बना दिए, थोड़ा सा रुकना, आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा लंबा चौड़ा है आप बना सकते हो, जैसे देख, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मान लो ना भाई 99 तक का योगफल निकालना है, 99 तक। n बराबर जल्दी से निकाल लेंगे कितना होगा, 99 प्लस 1/2, 100/2, इसका मतलब कितना, 50। फाइनल 50 हो गया। और जब 50 हो गया होगा तो हम आपको बताएं कि योगफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, n स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500। दिक्कत नहीं ना, समझ में बात आया, क्लियर हुआ। तो आपका कितना हो गया, 2500। अब बात आया कि सर 1 से शुरू जरूरी है, आगे से रहेगा, तो बस बस इंतजार करो, इतना तक कंप्लीट हुआ। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन माइंड में जो उठ रहा वो हम समझ गए, 11 प्लस में 13 प्लस में 15 मान लिया जाए 99 तक का योगफल निकालना है। लेकिन जो हम एन स्क्वायर जो मैंने बताया वो कहां तक के बताया, 1 से लेकर के बताया एन स्क्वायर, बीच से नहीं बताया। थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा काहे ना करते हैं, 1 से हम 99 तक का क्लियर कर लेते हैं, और हमको कई तक ना है विषम में, 9 तक ना है, तो 9 का निकाल के घटा दें। बातें
तो जब एन बराबर जब हम एक से पूरा लेंगे तो इस 100/2 होगा कैसे, क्योंकि 99 में एक जोड़ देंगे तो 50 टर्म में टोटल होगा यहां 100 टर्म। 9 तो घटाने का मतलब हुआ कि 10/2, तो 5 टर्म यहां से होगा। अब आप ही बताओ हमको कि एन विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए मैंने बताया, क्या बताया, एन स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 2500। लेकिन बंधु ये 2500 जो मेरा आया वो एक से लेकर 99 तक आया, जिसमें 9 तक नहीं है, तो 5 का स्क्वायर क्या करोगे, 25 क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, यानी उत्तर जो मेरा होगा 2475। कोनो दिक्कत, उत्तर कितना होगा 2475। कैसे हुआ, तो सर एन का मतलब एक से हम पहले 99 तक क्लियर कर लेते हैं पूरा पूरी, उसके बाद 9 तक नहीं है तो 9 तक के फिर घटा देंगे। इस 100 कहां से आया, तो एन प्लस 1/2 नंबर की संख्या निकालना होता है, तो एन बराबर यानी संख्या निकालना होता है पदों की संख्या, तो और एन का मान यहां पर 9 तक, यहां पर पदों की संख्या कितना 5, यानी 24, और कितना होगा 75। ठीक, लेकिन हमको ये सब बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है। तो हमें बताए थे, थोड़ा सा ध्यान देना, सम वाला प्रोसेस बताया, तो सेम प्रोसेस लगा देंगे। देखो सेम प्रोसेस कैसे लगाना है, थोड़ा सा सोचना। 11 के आगे कितना हो 10, 100 के आगे कितना है, 99 के आगे कितना होगा 100, टेंशन मुक्त हो गया। बीच वाले सम या विषम संख्या का योगफल ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्या को एक बार जोड़ देंगे और दोनों संख्या को एक बार घटा देंगे। अब कैसे भाग लगाए थे, उस तरह 4 से, तो 4 से 2 दूना कितना होता है 4, 55 दूना 110, 45 दूना कितना, देखो गुना कर दो, 45 25 225 के 25 बाकी 22, अब 45 25 कितना होता है 225, अब 22 कितना होता है 247, कितना हुआ 2475। तो हम लोग को बात ये कहना था कि सर ये तो हम फॉर्मूला सम विषम है, यानी कि कभी भी सम या विषम संख्याओं का बीच वाले संख्याओं का योगफल यदि ज्ञात करना है तो जहां तक श्री दिया गया है उसके आगे जस्ट और उसके पीछे जस्ट को संख्या निकाल लेंगे और एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, उत्तर खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी आपका 2475 उत्तर आ जाएगा, यानी कितना होगा 2475। समझ में बात आया, कोई परेशानी नहीं ना होगा, नहीं होगा। HW एगो दे देते हैं आप लोग को, है ना, घर में बैठे हैं तो कुछ करें तब तक हमको पता चलेगा कि आप किए हैं, उत्तर जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में। जैसे देखो 21 है, 23 है, 25 है, डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए 75 है, या आपका HW जरा हमको बता देना कि योगफल कितना होता है, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना तक कहानी पिछले वाले था। अगला आगे अगला, इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर, इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई क्या होता है 6। देखो बंधु इसमें भी सम संख्या होगा, इसमें भी विषम संख्या होगा, इसमें भी बीच से जाएगा, सबका टेंशन नहीं लेना, सब निकलेगा आराम से। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन वाई क्या होता है 6, जहां जहां एन बराबर लास्ट टर्म, यानी कह सकते हो अंतिम पद, क्या बोल देंगे अंतिम पद, यानी कि एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन वाई क्या होता है 6, जहां एन बराबर क्या होगा लास्ट टर्म। जैसे क्वेश्चन रहेगा कैसे जरा बताओ हमको,
एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए 10 का स्क्वायर, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। कब वर्ग निकालना है सोचो, देखो इतना तक हमको योगफल निकालना है, तो योगफल बराबर मैंने बताया क्या, एन इंटू एन प्लस वन और इंटू में टू एन प्लस वन, अब आई में क्या बताया सिक्स, कौन दिक्कत कहां तक था। अब एन का मान तुम बताओ कितना रखें, एन का मान 10, अंतिम पद कितना 10, एन प्लस वन मतलब कितना 10 और 1 11, ऐसे करके हम नहीं लिखेंगे कि 10 और प्लस 1 दर्शाएंगे, ठीक इस तरह से हम ना करेंगे, आप लोग करना घर पे। एन का मान अगर 10 रखेंगे, 10 दुना कितना होगा 20, 20 और 1 21, बटा में कितना 6, 3 दुना 6, 3 सत 21, 5 दुना 10, 11 बच्चे 55 सत 385, यानी उत्तर आपका हो जाएगा 385, कितना हो जाएगा आपका उत्तर 385, यानी आप कहना ये चाह रहे हो कि एक वर्ग से लेकर 10 वर्ग तक आपको निकालना होगा, तो 385 उत्तर होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है हमको, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि हम ज्यादा कुछ भारी भारी चीज नहीं पढ़ाए हैं अभी, अभी तो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, बहुत सारा इसमें पढ़ना है आप लोगों को, एकदम विस्तार से पढ़ लेना, जितने भी आपको एग्जाम्स आने वाले हैं सब एग्जाम्स के लिए उपयोगी है सब। एक क्वेश्चन आ गया, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए ना 20 का स्क्वायर, योगफल निकालना, जल्दी जल्दी बताओ योगफल निकालना है ना, तो आप क्या कहोगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन, वाई क्या होता है 6, सब पढ़ा, n का मान कितना 20, n प्लस वन के मतलब 21, b दुना कितना 40, 41 बटा में 6, 3 दुना 6, 3 सत कितना 21, 10 हो गया, 41 सत 287 पर 0 2870 काम खत्म। तब कैलकुलेशन फास्ट करना है, कंपटीशन एग्जाम में मैथ बताना और बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है बंधु, कम समय में बना ले उसी को आप लोग समझोगे कि तैयारी है, ऐसा नहीं कि इसको हम लिख रहे हैं 20, अच्छा 21 हुआ सर इसको गुना कर दो, पहले एक चार लाइन में लिख दिए फिर 41 गुना कर लो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन का प्रयोग करें, ठीक कैलकुलेटर का बिल्कुल नहीं यूज करें, और आप लोग का उत्तर कितना होगा 2870 फाइनल हुआ, कोनो दिक्कत आगे बढ़े चल। अगला, इन प्राकृत संख्याओं के घनों, घन क्यूब, घनों का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन वाई टू, याद आया होगा किसी का फॉर्मूला लिखा, प्राकृत संख्या का लिखा है, उसका आप वर्ग कर दोगे ना तो आपका कहां पहुंच जाओगे घन के पास, तो एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बराबर एन इंटू एन प्लस वन वाई क्या होता है टू, तो जैसे है, एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, डॉट डॉट डॉट, 10 का क्यू, ठीक योगफल निकालना है, तो योगफल बराबर मैंने क्या बताया n इंटू एन प्लस वन, अब आई में क्या बताया 2 का होल स्क्वायर, देख रहे हो सामने लिखा हुआ, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 गुना में 11, चूंकि n प्लस वन 10 है 11, अब बटा में 2 का होल स्क्वायर 55, अब आप बताओ 55 का स्क्वायर, अब याद करना मतलब सबसे पहला वीडियो आप लोगों को जो मैंने दिया था दो डिजिट का वर्ग बताया, स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, ऐसे आप वहां पर देख लेंगे जाके किस तरह से निकालना है, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है 30/25 होता है, कितना होता है 30/25, कोई दिक्कत नहीं। आगे, मेरे वीडियो को जब अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर जरूर से जरूर कर देंगे ताकि सभी को फायदा मिले। अगला एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देना, एक दो मान लिया जाए ना 20 का क्यूब, योगफल निकालना, सॉरी हाँ योगफल निकालना है,
तो घनों का युगफल क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। एन का मान कितना रखेंगे वो 20, आई कितना 21 बटा में 2 का कितना होगा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 21 दमों को 210 का कितना स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर सबको पता होगा 441, ठीक। और जीरो लास्ट में, तो एक जीरो के दो जीरो, यानी कितना होगा 44,100। प्यारे बंधु, मैंने दोनों वीडियो संख्या के आधार प्रश्न बताया मैंने, और दोनों वीडियो को गौर से देखना। अभी और इसमें पढ़ना क्या क्या जो बताते हैं आप लोग को, सम विषम इसमें भी पढ़ना है आप लोग को, सम घन का होगा, सम विषम का होगा, आप लोग को सब तरीका भी, एक वीडियो आप लोग का इसका जारी होगा जिसमें सम विषम रहेगा आप लोग को। तो फिलहाल इतना बता दिया आप लोग, इसको पूरा से पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और हम आप लोग को अगले वीडियो मिलते हैं। इस तरह बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, सबको बाय बाय।